कौन राज्य करे ये तो चुनाव जनता करती है, परंतु कैसा चले राष्ट्र हित में, इस राष्ट्र नीति के बारे में हमारे मत है और हम पहले से बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, और जितनी शक्ति है उतना उसके अनुसार हो इसका प्रयास भी करते हैं। वो प्रयास हमारा लोकतांत्रिक रीति से ही होता है। संघ को राजनीति से परहेज है इसका मतलब वो घुसपैठियों के बारे में न बोले ऐसा नहीं है, तो ये सब राष्ट्रीय प्रश्न है, राजनीति की उसमें भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, परंतु प्रश्नों के सुलझने का न सुलझने का परिणाम पूरे देश पर होता है। ऐसे विषय में संघ अपना मत रखता है। राष्ट्रनीति के बारे में हम बोलते हैं और अगर हमारी शक्ति है हम जिसको उचित मानते उसको करवाने की, तो उसको हम लगाते जरूर है और ये हम छुपे छुपे नहीं करते, ये डंके की चोट पर करते हैं। देश में, देश की व्यवस्था में पावर नाम की जो चीज है उसका जो सेंटर संविधान से तय हुआ है वही रहेगा। कोई बाहर का दूसरा केंद्र खड़ा हो ये गलत बात हम मानते हैं। हमारे देश में प्राचीन समय से महिलाओं के बारे में जो विचार है तो उनको अत्यंत बड़ा स्थान दिया है, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा का रूप उनको हम मानते हैं। एक तरफ विचार में ऐसा है और दूसरी तरफ व्यवहार में देखा तो उनकी हालत बहुत खराब है। वो महिला समाज का एक हिस्सा होने के नाते समाज जीवन के सब प्रयासों में बराबरी की हिस्सेदार है, बराबरी की जिम्मेवार है और उस तरह ही उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ये इस ढंग से नहीं होना चाहिए कि बेचारे महिला समाज का हम उद्धार करेंगे। जो देखते हैं हम, नित्य अनुभव भी आप लोगों को आता होगा कि कई मामलों में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समर्थ हैं। उनको सशक्त करने की जरूरत है, उनको वो स्वतंत्रता देने की जरूरत है और ऐसे काम करने के लिए उनको प्रबुद्ध बनाने की जरूरत है। तो अपने घर से प्रारंभ करके समाज के क्षेत्र तक सर्वत्र मातृशक्ति जागरण का काम होना चाहिए। संघ की इच्छा है, संघ के स्वयंसेवक और संघ के साथ जुड़े हुए परिवारों की महिलाएं, स्वयंसेवक जो अनेक संगठन चलाते उसमें बराबरी से सहभागी महिलाएं मिलकर ये काम करती है। हिंदुत्व उस मूल्य समुच्चय का नाम है। विविधता में एकता, समन्वय, त्याग, संयम, कृतज्ञता, एक शब्द है हिंदू। इसलिए संघ हिंदू इस शब्द को आग्रह पूर्वक लेकर चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत शब्द का उपयोग करते हैं, जो इंडिक शब्द का उपयोग करते हैं, जो आर्य शब्द का उपयोग करते हैं, उनसे हमारा कोई झगड़ा है या विरोध है। हम जानते हैं कि उनको कहना वही है, हमारे लिए ये शब्द आग्रह का शब्द है, उनके लिए वो होगा, बहुत अच्छी बात है, इसको लेकर झगड़ा होने की कोई बात नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल की चर्चा में संसद में पूछा था विरोध करने वालों को कि आप धर्म को क्या समझते हो, वैल्यूज या कोड? आप कोड को धर्म मान रहे हो, कोड बदल, उसको मैं बदल रहा हूं, वैल्यूज वही है, आप चर्चा करो। ये धर्म यानी किसी एक विशेष देश की समाज की बपौती नहीं है, ये पूरे मानवों का वैश्विक धर्म है। हिंदू धर्म आज जिसको कहते हैं वो वास्तव में हिंदुओं का धर्म नहीं, हिंदुओं का धर्म शास्त्र हिंदू धर्म शास्त्र के नाम से नहीं है, वो मानव धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है। हिंदू शब्द आने के पहले वो रचा गया, वो किसी एक के लिए नहीं था, वो सबके लिए था। हमारे देश में जितनी आध्यात्मिक धाराएं हैं, सिख, बौद्ध, जैन, सनातनी, आर्य समाजी, ये सब लोग जन्म तो भारत में, भारत के समाज में काम किया, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो सारा का सारा संपूर्ण विश्व के लिए है, क्योंकि हमने कभी भी अपनी परंपरा में अपने आप को विश्व मानवता से अलग नहीं माना।